अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन से ट्विटर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि एक खातून है जो कि अमेरिकन नेशनल है, तकरीबन एक डेकेड से पाकिस्तान तक उनकी रसाई बड़ी आसान लग रही है और उनकी रसाई बहुत इंपॉर्टेंट लोगों तक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे भी है। कैसे पहुंचती हैं वो, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। तो क्योंकि मेरी कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए, इसलिए हमाद साहब से पूछते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर आप देख ही रही हैं कि ट्विटर भरा हुआ है, यूट्यूब भरा हुआ है, मुख्तलिफ लोग बहुत संजीदा रिपोर्टर्स भी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और जिस तरह पर यूट्यूबर्स हर तरह के होते हैं वो भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। एक इल्जाम लगा वो जो आप अब तक सब जान चुके हैं कि ये रहमान मलिक साहब पर तो एक बराह रास्त रेप का इल्जाम लग गया, और बाकी हमारे वजीर आजम साहब यूसुफ रजा गिलानी जो उस वक्त थे 2011 में, और मखदूम शहाबुद्दीन साहब उन पर हरासमेंट का इल्जाम लगा है। उसकी वजाहत उन्होंने कुछ खास नहीं की, लेकिन उन्होंने एक पब्लिक हवाला दिया कि प्रेसिडेंसी में बहुत से लोगों के दौरान उन्होंने जिस तरह मुझे गले लगाया वो गैर मौजू तरीका था। तो ये उन्होंने इल्जाम लग गया, इतना संजीदा इल्जाम लग गया, इसके ऊपर गुफ्तगू लोगों ने शुरू कर दी, लोग बट गए। जैसे हमारी पोलिटिकल डिविजन होती है उसकी रोशनी में लोग खुद बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ ने उनको कहा, बुरे लफ्ज इस्तेमाल किए उनके लिए, और कुछ ने उनको सिंधियाबाजी कहना शुरू कर दिया। वो अपनी डिवीजन शुरू हो गई जो हमारी सियासी डिवीजन है वैसे ही, तो लोग देखे वाले बगैर ही भाग पड़ते। मेरा ख्याल है ये इल्जाम इटसेल्फ जो है, जैसे कि अब तक सब लोगों को पता लग चुका होगा कि ये 2011 का एक उन्होंने इल्जाम लगाया है। सर, इसमें मैं थोड़ा सा ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आपका मीडिया में इतना एक्सपीरियंस रहा है, आप इन सब लोगों को जानते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, काम करने का भी आपको मौका मिला होगा, कभी आपकी सिंथिया बाजी से मुलाकात हुई? मेरी इन सब लोगों से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मुलाकात हुई। सिंथिया से भी मेरी मुलाकात हुई। मैं उन दिनों टीवी में होता था एक इस्लामाबाद, तो वो मेरे पास तशरीफ लाई। हमारी एक इंतहाई मोहतरम दोस्त जो पीपल्स पार्टी में थी उस वक्त, उन्होंने मुझे कहा कि मीडिया में एक खातून आई हुई है अमेरिका से जो यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है, तो आप अगर इसकी कोई मदद ये करना चाहती है, कुछ आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा भिजवा दीजिए। तो सिंथिया साहबा मेरे पास तशरीफ लाई थी, और ये इंतहाई यानी मुख्तसरन मैं उनको अगर तबसरा करूं, बहुत ही खुशकामत और बहुत ही खुशरू खातून थी, वाह, और उस वक्त ही होंगी 28 29 बरस की होंगी, क्योंकि अब उनकी उम्र 38 साल है लगभग। तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाना, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बनाना चाहती हूँ, पीटीवी मेरी मदद कर सकता है। मैंने कहा कर सकता है, तो आप यूं कीजिए। मैंने उन्हें एक रोड मैप दिया, उन्होंने कहा ये रोड मैप जो है इसको अभी आप अपने पास ही संभालिए, मैं तो वतन से जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊंगी तो देखूंगी। तो उसके बाद ना मैंने उनसे कभी रब्ता किया, ना उन्होंने मुनासिब समझा। उन्होंने कहा होगा ये गैर मौसू आदमी है इस काम के लिए, तो वो फिर अपने रास्ते पे चल पड़ी। इसी तरह हम रहमान मलिक साहब को, हम डीजी जब वो FIA के एडिशनल डीजी थे, तो हम उस जमाने से उनको जानते हैं, और मखदूम शहाबुद्दीन साहब भी वहां पर। अब इस इल्जाम का तजिया करना कि 2011 का इल्जाम, वो लोग कहते हैं अब तक उन्होंने क्यों नहीं लगाया, वो 10 साल बाद कहाँ से आ गई। फिर लोग अगला सवाल पूछते हैं जो इतना ही वैलिड सवाल है वैसे, कि वो अब तक कोर्ट में क्यों नहीं गई। अब आपको चाहिए कि आपने कितना संजीदा इल्जाम लगा दिया, तो ये ट्विटर के इल्जाम तो नहीं होते, ये तो जिंदगी के बड़े बड़े हादसात हैं, और जिसका जब आपने फैसला एक दफा कर ही लिया तो आप सीधी अदालत जाइए। आप और बड़े फोरम है, हरासमेंट कमीशन है, ओम्बड्समैन का दफ्तर है, और भी इदारे हैं, तो आप जाकर इसको करना, ये तरीका था। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये मुनासिब समझा। सर, तो इसी तरह बाकी लोगों को हम जानते हैं। मैं एक सिर्फ इन दोनों हजरात के बारे में जो मेरा अंदाजा है वो मैं आपको बता दूं, ये इनको आप तीनों अफराद जिन पे इल्जाम लगे हैं, आप उन्हें मुहज्जब जबान में हुस्न परवर करार दे सकती हैं, ये दुरुस्त। अच्छा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, ऐसे आप मुझ मेरी राय मांगे कि इनमें से कौन आदमी है जो इस ऐसी हद तक जा सकता है, तो मैं आपको कहूंगा इनमें से कोई आदमी भी इस हद तक नहीं जा सकता। मैं जाती तौर पर इन लोगों की शख्सियतों का तजिया करते हुए आपको बता सकता हूँ। और फिर जो वाकया है ना, वो बहुत उसमें झोल है, उसमें कई खला है, उसमें 2000 पाउंड लेकर सिंधिया साहब चली गई, उनको ट्रक कोई चीज पिला दी गई, वो मिनिस्टर ऑनक्लेव उनके घर गए, ये सारी बातें। और 10 साल तक फिर उन्होंने, और मैं आपको बताऊं इंतहाई वो दबंग, वो एक खास कामत की औरत है, वो ऐसी खातून नहीं है कि हाउसमेट जिसके साथ कोई उसको हाथ लगा लिया, ये ऐसी बात नहीं। तो वो तो आपको कमांडो नुमा खातून है,
आपने उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी जो मुख्तलिफ जगहों पर छपती हैं उनकी, वो महाज पर भी जाती हैं और इदारों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं उनके अपने बाबा। सर इधर क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि वो अपने आप को डॉक्यूमेंट्री मेकर बिल्कुल कहती है मगर आज तक उनकी कोई डॉक्यूमेंट्री मंजर आम पे नहीं आई। सो वो जो एक डॉक्यूमेंट्री वो पाकिस्तान या ट्रैवल लॉग बनाना चाह रही थी, अच्छा होगा हमारे साथ भी कोई शेयर करे। दूसरी एक और बात, वो टू बिगिन विद ब्लॉगर्स की सर एक्सेस नहीं होती प्राइम मिनिस्टर हाउस प्रेसिडेंट हाउस, वो उधर क्या कर रही थी और वो किस नियत से आई थी, अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। दूसरा सर एक अभी आपने पॉइंट आउट किया कि उन्होंने, बहुत से लोग कह रहे हैं उन्होंने इतना वेट क्यों किया, सर ये इतना अजीब सा ट्रॉमा है, जिनसे भी बात करो आप रेप विक्टिम या असॉल्ट विक्टिम से बात करो, कई दफा चाहे वो जितने भी मजबूत हो उनको बहुत वक्त लग जाता है इस को फेस करने में और इस पर बात करने में, वो एक अलहदा बहस है। मेरा बार बार एक सवाल है कि इनकी एक्सेस इतने लोगों तक, ऐसे नाम जो ये ले रही हैं और इतने बहादुरी से ले रही हैं। आपका सवाल मैं दोबारा रिप्रेस करता हूँ कि सिंथिया रिची ये कौन खातून, इनका पस मंजर क्या है, ये जर्नलिस्ट हैं, ये डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, ये ब्लॉगर हैं, ये कौन? तो इसका आसान जवाब तो कोई नहीं, क्योंकि एक खास तारीख से पहले जब ये पाकिस्तान आती हैं उससे पहले इनका माजी जो है वो धुंध में लिपटा हुआ है, ये आसातीरी किरदार जैसे होते हैं आपको मालूम ही नहीं होता ठीक तरह ये। और फिर उन्होंने अपनी फेस, अपने कुछ पेजेस पर, वेबसाइट जो उनकी थी उसकी एक्सेस भी उन्होंने लिमिटेड कर दी है, वहां तक आप रसाई हासिल नहीं कर सकते। तो इस तरह कुछ देरार कुछ चीजें होंगी जो वो नहीं चाहती कि आम आदमी तक पहुंचे। हमें उनके बारे में ये पता है, वो लुइसियाना में पैदा हुई, वो टेक्सस में रही, वाशिंगटन डीसी कुछ देर पढ़ती भी रही, को डिप्लोमा वगैरह किया जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद पाकिस्तान में वो आई हैं 2009 में पहली दफा एक विजिट वीजा पे, वो टूरिस्ट वीजा पे भी आई, वो बहुत दफा पाकिस्तान आई है, लगभग 45 बार के करीब वो पाकिस्तान आ चुकी। 2009 में जब वो आई तो उन्होंने वापस जाकर एक ट्वीट की जिससे अंदाजा होता है कि उनकी यहाँ पर क्या सरगर्मियां थी। उन्होंने ट्वीट ये की कि MQM की लीडरशिप से मैं वहां, इससे पहले उनका सियासत से कोई रिश्ता नहीं है, इससे पहले उनका जर्नलिज्म से कोई रिश्ता नहीं है, वो ब्लॉगर नहीं है, वो बुक राइट कुछ भी नहीं है, उनका कोई माजी नहीं है, ये सिर्फ बताया उन्होंने, किसी ने बताया तो उन्होंने तस्दीक की कि मैंने कुछ छोटा मोटा, पहले वो कहती थी मैंने कुछ काम किया, एड्स बनाए, फिर उन्होंने कहा मैं वो एग्स बेचती थी वो अपने वो क्या इनफर्टाइल कपल्स को, कुछ इस तरह की उन्होंने बात बताई। तो इस तरह की उन्होंने कुछ बातें बताई, उनका माजी कुछ क्लियर सामने नहीं आता। और अब जब लोगों ने पूछा है कि भाई आप कोई जर्नलिस्ट थी, कहाँ छपती रही हैं आप कोई टीवी पे आती थी किसी, तो उन्होंने कहा मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, शी हरसेल्फ हैज सेड कि मेरा जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी 2011 में तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आज तक कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। तो इस तरह आप कुछ नहीं कह सकते कि वो पीछे से क्या कर रही थी। यहाँ पर आकर अलबत्ता सीधा पहला ही उन्होंने MQM से शुरू किया और फिर वो 2011 तक तो वो पीपल्स पार्टी के अंदर जा चुकी थी और फिर 2015 से तो यही रह रही हैं अक्सर, यानी यही रहती हैं। और वो यानी आप ये समझिए कि 2013-14 जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी इस्लामाबाद में, उस दौरान वो 2 साल यहाँ नहीं आई और फिर उससे पीछे और उससे आगे वो मुसलसल आ रही हैं, जा रही हैं, और अब तो बहुत लंबा उनका प्याम हो। तो आपने जो बात की ना कि कौन है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। हाँ, आपके सवाल से जुड़ी हुई जो अगली बात है वो आपने कहा कि वो यहाँ कैसे रह रही हैं, तो मेरा ख्याल इसका जवाब भी आपको मालूम है। यहाँ पर इस तरह बाहर से कोई आया हुआ आदमी, एक अंग्रेज यानी गोरी रंगत की खातून अमेरिकी, वो यहाँ पर एक दिन भी नहीं रह सकती। वो इस वक्त भी यहाँ बिजनेस वीजा पे रह रही है, वो कोई जर्नलिस्टिक उनका कनेक्शन नहीं है, ना ही उनका किसी और मीडिया के हवाले से वो यहाँ रह रही है, वो बिजनेस वीजा पे रह रही हैं, वो टूरिस्ट वीजा पे आती थी, वो विजिट वीजा पे आती थी। और इस वक्त तो खैर वो इलीगल बाय द वे हो चुकी है, इलीगल तो नहीं कहना चाहिए, उनका वीजा खत्म हो चुका है मार्च में। अब वो जैसे कोरोना वालों को, कोरोना की वजह से जो एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने दे दी उसकी वजह से अब वो भी एक्सटेंशन पर है इस वक्त यहाँ रह रहे। तो ये सारा मामला आपने ठीक कहा कि ये बहुत ही अहम सवाल है कि वो यहाँ पर किस तरह उनको तहफ्फुज़ मिला, किस तरह वो इस सतह तक चली गई, किस तरह उन्होंने इन सब लोगों से रवाबित बनाए
और वो खुद कहती हैं कि इस पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों से और इदारों से उनके ताल्लुकात हैं और वो उनकी मदद से बाहर जाती भी हैं, हर जगह जाती हैं और एक्सेस है उनकी। तो ये आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान के मजबूत तरीन लोगों का तहफ्फुज़ उन्हें हासिल रहा, वरना ये नामुमकिन है कि आप एक दिन भी यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी करें और आपकी फाइल ना बननी शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक तो अब उन्होंने एक और बात शेयर की कि मैंने मंगनी कर ली है, जो कोई मुलाकात हुई मेरी पाकिस्तान में जिन साहब से, सो वी डोंट नो कि वो पाकिस्तानी हैं या फॉरेनर हैं या क्या आगे स्टोरी है। दूसरी बात यह है कि उनके ट्विटर को मैं देखती रही, तो अभी तो उनके फुल अटैक पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा अगली बारी पीएमएलएन की। इसके अलावा मैं इधर ये भी आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सलाम, और पीटर ऑबॉर्न उसका हिस्सा रहे, और अब तो पीटर बहुत पॉपुलर हैं पाकिस्तान में, उनकी किताब भी शाया हुई। तो जब उन्हें पहली दफा पाकिस्तान आना था तो हमने इन्विटेशन भेजा था, बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, जर्नलिस्ट के लिए ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है। तो ये जो इस बात से वाकिफ नहीं है, सो इट्स नॉट ईजी कि कोई फॉरेन जर्नलिस्ट आए और उसकी एक्सेस इतनी ज्यादा हो, वो इतने आराम से आता जाता रहे। देखिए आपने फिर उन्हें जर्नलिस्ट कह दिया, वो एमा डंकन नहीं थी, वो क्रिस्टीना लैम नहीं थी, वो संजीदा लोग थे, कोई संडे टाइम्स, कोई इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इदारे हैं वहां पे वो काम करती थी खातीन, और वो फिर जाकर किताबें लिखती थी, कोई ब्रेकिंग द कर्फ्यू लिख रही है, वेटिंग फॉर अल्लाह लिख रही है, और ये गैर संजीदगी है ना, इस पे एक ट्वीट करके आप तवज्जो हासिल कर लेते हैं मुल्क की, क्योंकि आपको मालूम है कि इस मुल्क की तवज्जो इस वक्त इनका मिजाज क्या है और इनकी तवज्जो कैसे हासिल की जाती है। तो ये बहुत छोटा सा एक हरबा है और इसमें वक्त भी नहीं लगता, एक मिनट की बात है कि आप पूरी कौम मेन इशू कुछ और बन जाता है, असल इशू जो है वो गायब हो जाते हैं। ये आपने बहुत दफा देखा, ये आपने पढ़ा भी होगा कि पीआर मैनेजमेंट वगैरह, न्यूज मैनेजमेंट, ये क्या सिस्टम होता है कि किस तरह एक खबर को आप दबाते हैं और किस तरह दूसरी खबर को उभारते हैं। जी सर, ये इसी से एक स्टेटमेंट देना चाहूंगी कि बजट भी आ रहा है, कहीं उससे तो नहीं नजर हटाई जा रही, या कोविड से नजर, कोविड के नंबर से नजर हटाई जा रही है। जी तो अब हमारे अंदाजे हैं, आप ठीक कह रही हैं, सामने जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें ये है कि कोविड 19 के महाज पर हुकूमत को एक शदीद चैलेंज का सामना है और शदीद तनकीद का सामना है, ये तो हमारे सामने की बात है। और अभी आप आगे भी देखिए क्या अनफोल्ड होता है, किस तरफ ये चीज जाती है, क्योंकि सिंथिया साहिबा का मामला अब ये है कि उन्होंने, वो एक ऐसी सतह पे चली गई हैं कि अब उनको इस्तेमाल करना जो है वो मुश्किल हो गया, अब वो किसी काम की नहीं रही। जब ये सारे शहर को पता लग जाता है, सारे मोहल्ले को पता लग जाता है कि ये आदमी या औरत जासूस है, तो या जासूस से मुराद है इसकी कंपनी खतरनाक है और ये किसी वक्त भी कुछ कह सकती है, और तो फिर लोग उससे परहेज करते हैं और उसको अवॉइड करते हैं। लिहाजा अब इनसे किसी किस्म का भी कोई काम नहीं लिया जा सकता, कोई ताकतवर लोग पाकिस्तान के या इंटरनेशनली जो भी इससे काम लेना चाहते हैं, अब वो काम मुमकिन नहीं है। यानी आप ये समझिए कि इसका ड्रॉप सीन हो रहा है। सर अमूमन देखा कि ऐसे लोग या तो फिल्म में अदाकारी शुरू कर देते हैं या पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ये ना हो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रही है, जो रह गई है इनकी तनकीद का मतलब निशाना नहीं रही, या फिर ये कोई किसी फिल्म या किताब लिख दें कि मेरी नजर से पाकिस्तान ये था और हम फिर खरीदें और इन और मशहूर हो जाएं। ये तो बड़ी अच्छी बात होती है अगर आप किताब लिखें, ये एक संजीदा अमल है ना, इसके पीछे तैयारी है, एक संजीदगी है, ये वो मामला नहीं है। ये और तरह का इनका रवैया अब तक रहा है और आगे भी मुझे इनसे कोई तवक्को नहीं है कि ये संजीदगी से कोई किताब या कुछ संजीदा तहरीर ही, ये उनका शोभा नहीं, वो जो कर सकती थी वो कर चुकी हैं। अब इससे आगे जैसे आपने पूछा पॉलिटिकल पार्टी, ये पार्टी, मेरा गुमान यह है कि वो अपनी इनिंग्स खेल चुकी हैं और ये कहानी अब आखिरी भाग है उसका, ये खत्म हो रही है। अब ये ना कोई इस्तेमाल हो सकती हैं, लोग इनसे चौकन्ने हो गए हैं और ये अब मुल्क पाकिस्तान में इनका ज्यादा कुछ खेल नहीं है, मुझे नहीं लगता। आप देखिए ना कि आपने अगर अदालतों में आप नहीं गए, आप किसी फोरम पे नहीं गए, आप नहीं चाहते कि इस मामले को संजीदगी से स्क्रूटनाइज किया जाए। रहमान मलिक साहब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनका नाम ईसीएल पे डाला जाए, उन्होंने सेनेट को इंटरनल के हैं भी ना, इंटीरियर के कमेटी के, तो उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया कि इस खातून ने बड़े संजीदा इल्जाम लगा दिए, इसको आप यहीं पर रोकिए, ईसीएल पे इसका नाम डालिए। यानी दूसरी तरफ से जो लोग हैं
और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने एक दरखास्त दी थी FIA को, जिसमें उन्होंने तहरीरी बयान भी अपना जमा कराया है सिंधिया ने, और उसमें बहुत से हकायक उन्होंने अपने बारे में बताए। तो मेरा ख्याल है ये कहानी खत्म हो चुकी। सर मेरा आखिरी सवाल, अगर हम में से कोई इस रीजन से जाए किसी और मुल्क में, वेस्टर्न सोसाइटी में, हम कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकेंगे, हम एक आम वीजे पे जाएं, ट्रैवल वीजे पे या वर्क वीजा, बिजनेस वीजा, हमें कभी भी ना इतनी इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ना हमारी एक्सेस होगी, इस मुल्क की ये क्या बदनसीबी है कि यहाँ इस तरह के लोग कॉन्ट्रोवर्सी के थ्रू इतने पॉपुलर हो जाते हैं, और मतलब उनको आप एक बहन भाई वाला रिश्ता देके बाजी बाजी कह रहे हैं। क्या हमारे पास अपने कोई इश्यूज नहीं है? ये नॉन इश्यूज को हम क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं? बाकी किसी मुल्क में, मैं मतलब स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, हम ये इस बात को सोच भी नहीं सकते। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये मेरा ख्याल है इस सारी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता है जो आपने उठा दिया, कि आपकी रियासत का खोखलापन इससे सामने आता है कि एक खातून आती है खुश शक्ल खुश कामत, और वो अपना सीधा लैंड ही टॉप लेवल पर करती है, और फिर कितनी आसानी उसे होती है कि उसे लोग अपना भी लेते हैं, कुछ लोग उससे अपना एसेट समझने लग जाते हैं और उससे कुछ काम लेने की फिक्र में आ जाते हैं, और वो जहां चाहती है आराम से फिरती है। तो ये पहले भी हुआ है मैडम, ये हमारे यहाँ पर एक तारीख है जी, इसकी लंबी एक तारीख है कि इस तरह कुछ लोग आ जाते हैं, बहुत मारूफ नहीं है उनमें से कई, लेकिन जैसे साहबज़ादा याकूब खान साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया हुआ है, एक अमेरिकी खातून का जो ज़िया उल हक़ साहब से बहुत उनका ताल्लुक था, और किस तरह वो अहमियत देते थे, यानी मीटिंग्स में से उठ के चले जाते थे उससे मिलने के लिए, उससे फोन पे बात करने के लिए, और इस तरह बहुत ही वो इन्फ्लुएंशियल समझी जाती थी उस जमाने में। और उन्होंने बाय द वे वो चार्ली विल्सन वाली जो एपिसोड उस मुलाकात में भी वो उसमें भी वो इंस्ट्रूमेंटल थी। खैर मैं अब ये तारीख तो अपनी जगह, मैं आइंदा के लिए सोचिए ये रियासत को हम क्यों ऐसे मजाक बना, आपने जैसे कहा मजाक बनाने वाली बात है कि कोई भी आए और हम समझें कि वो खुदा जाने किसके लिए काम कर रहा है, किस एजेंडे पर आया है, आप ये समझें कि शायद एक रैंडम आदमी हमने पिक कर लिया है और अब हम इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। मकासद क्या है? फर्ज किया वो पाकिस्तान की एम्बेसडर है, पाकिस्तान की एम्बेसडर है, उन्होंने वो इमर्जिंग पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री बनाई है, यहीं पे हमने ही बनवाई है हमारे इदारों ने, वो किसने देखी है डॉक्यूमेंट्री? पाकिस्तानियों ने। तो हमारा इमेज कहाँ बेहतर हुआ? वो BBC पे चली है, चैनल 4 पे चली है, फॉक्स पे चली है, CNN पे चली है, जजीरा पे चली है, कहीं नहीं चली, वो हम ही उसे देखते हैं और हम ही कहते हैं कि ये हमारी सफीर है। लिहाजा ये सारी बातें बेमाना है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। मैंने यही कहा था तो आप मुस्कुरा रही थी, सबक किसी ने नहीं सीखा यहाँ पर, लेकिन हमारा ये काम है कि हम मुसलसल ये बात दोहराते रहे कि इस जहाँ निज़ाम नहीं होता वहां निज़ाम को तोड़ना बहुत आसान होता है, इतने कमजोर निज़ाम में आराम से दरार डलती है और आप टॉप प्रेसिडेंट हाउस यू एंड अप इन प्रेसिडेंट हाउस या खातून जैसे कह रही। तो ये निज़ाम की मजबूती यहाँ पर सिस्टम्स जो हर शोबे में वो कमजोरी आती है, इसमें भी वही मसला है। इसका आउटकम अभी तक क्या हुआ है, मैं बस एक फिक्रा बोल लूं, इसका आउटकम ये हुआ है वो सच इल्जाम है झूठ है जो भी है बहस चल पड़ी है, सियासतदानों को बदनाम करने की एक और कोशिश की गई है पाकिस्तान जैसे 70 साल की होती रही, ये एक और। मुझे सोच के भी अजीब लगता है कि ये पीपल्स पार्टी में जितने लोग हैं, जितनी मेरी जिंदगी रही है हमारे सामने रही है, उन्हें अच्छे काम भी किए होंगे बुरे काम भी किए होंगे, मगर हम उनके पाकिस्तानी होने को या उनके हमारे लिए काम करने को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, और सिंथिया बाजी इस वक्त हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं। खैर इस मौजू पे देखते हैं आगे कहानी कहाँ चलती है। सर थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोविड में हमेशा मैं आपको रोकता हूँ आखिरी फिक्रा कहने के लिए, अब देखिए क्या शो में ये किस्मत में क्या, ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया सारा जो है वो सिंथिया बाजी जैसे आप कह रही हैं वो उनको बुला भी रहा है, उनका नुक्ता नजर भी आ रहा है, और हम जैसे लोग जो हैं वो यूट्यूब पर बैठे हुए ये गुफ्तगू है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आपके नुक्ता नजर की गुंजाइश कम है। बेशक आपने सही कहा, हम बहुत सी बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पे की भी नहीं जा सकती, और उस हकीकत से हमें ख्याल है हम सारे जो मीडिया में काम कर रहे हैं वाकिफ हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर टुडे,
आपसे जल्दी दोबारा किसी और इशू पे बात होगी।